आज हम आपके सामने पेश करने वाले एक ऐसे वीडियो क्लिप के बारे में जो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। यानी मेरे चैनल पे पहले से ही एक वीडियो अपलोड था जिसपे भाई सबका काफ़ी ज़्यादा कमेंट था कि भाई आप जिस तरीका से बता रहे हो ना उस तरीका से मेरे मोबाइल में अलग अलग रिंगटोन नहीं सेट हो रहा है। जी आज हम बात करने वाले आपके हर कॉन्टैक्ट पे, यानी जितना भी आपका फ़ोन नंबर है उस पर आप अपने अनुसार, यानी आप अपने मन पसंद अनुसार उस पर आप अलग अलग रिंगटोन सेट कर सकते हैं। जैसे कि कह सकते हैं हम कि हर नंबर पे अलग अलग रिंगटोन आप सेट कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट ये हुआ कि बाय द वे आपका कोई गर्लफ्रेंड होगा या कोई और आपका जैसे फैमिली मेम्बर से कोई भी कॉल करेगा तो उन पे आप अलग से कोई रिंगटोन सेट कर देंगे, तो जब भी उनका कॉल आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे फैमिली या मेरे गर्लफ्रेंड या अदरवाइज इनका फ़ोन है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं और मैं भी ये चीज़ ट्राई करता हूँ जिससे काफ़ी मज़ा आता है। मुझे फ़ोन उठाने से पहले ये मालूम हो जाता है कि मेरा उसका फ़ोन है या उसकी फ़ोन है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। दोस्तों मेरे वीडियो पे काफी लोग कमेंट किए थे कि भाई आप जिस तरह से बता रहे हो उस तरह से नहीं हो रहा है, इसलिए मैं दूसरा ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में पूरी एक्सप्लेन के साथ बताएंगे और इस वीडियो को पूरी स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जरूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे अपना मोबाइल को देखिए कुछ इस प्रकार से ओपन कर लूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको साइड में बता रहा हूँ कि आखिर क्या करना है हर नंबर पे अलग अलग रिंगटोन सेट करने के लिए। आपको क्या करना है कि दोस्तों आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, उस लिंक को आपको फटाफट इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे दो तरीका बताऊंगा जो आप एक बहुत ही इजीली तरीका से आप अपने कॉन्टैक्ट पे अलग अलग रिंगटोन सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन का नाम है जिनका नाम है रिंगटोन मेकर। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहाँ से जाइए और इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, और इस मेथड को मैं आपको बता रहा हूँ ये भी कि इस मेथड को अगर आप देख ले तो आप कई सा भी आपके पास मोबाइल कोई सा भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में कोई भी आपके पास अगर मोबाइल है तो उस पर आप अलग अलग रिंगटोन सेट कर सकते हो। ठीक है, या आपके पास रेडमी है या रियलमी है या ओप्पो है, वीवो है, अदरवाइज कोई भी कंपनी का मोबाइल है उस पर आप एक चुटकी में, एक झटके में आप उस पर अलग कॉन्टैक्ट पे अलग रिंगटोन सेट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा एप्लीकेशन का लिंक है जिनका नाम है रिंगटोन मेकर, वो इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक साइड में देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में थ्री कॉर्नर है। ठीक है, इस पर प्रेस कर देना है और इस पर प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हैं फाइव नंबर पर, यानी कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, पाँचवा नंबर पर एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो पहले बार अगर आप ओपन करते हैं तो आपको कुछ परमिशन देना पड़ेगा, जैसे कि आपको अलाउ कर देना है। ठीक है, अलाउ करने के बाद आपके सिम पर या आपके कॉन्टैक्ट में जितना भी नंबर होगा वो सारा यहाँ पे शो कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे गौर से आप देख लीजिए कि जितना भी ये नंबर है सब पे डिफ़ॉल्ट 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 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आप जो रिंगटोन अभी सेट किए सारे नंबर पे जो भी कॉल करेगा ये बंदा तो एक ही रिंगटोन बजेगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है कि डिफ़ॉल्ट को हटा के और अपने मन पसंद अनुसार रिंगटोन सेट करना है। तो इसके लिए आप अपने कॉन्टैक्ट पे जो भी नंबर पे अलग अलग रिंगटोन सेट करना चाहता है उस पर आपको क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कोई सा भी नंबर ले लेता हूँ और आपको मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप रिंगटोन सेट कर सकते हो। एक छोटा सा मैं यहाँ पे चलिए एक नंबर कोई सा भी इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइल एंड ऑडियो फाइल रिकॉर्डिंग एंड म्यूजिक का ऑप्शन आ जाता है। तो जहाँ भी आपका अलग अलग कोई एक फनी कमेंट का या कोई सा भी आपके मन पसंद अनुसार रिंगटोन है तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर ले। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑडियो फाइल में है तो ऑडियो फाइल को यहाँ से दोस्तों मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए ऑडियो फाइल जब आप सेट करेंगे तो आपके फ़ोन में जितना भी रिंगटोन होगा एंड या सॉन्ग होगा ये सारा यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो कोई सा भी एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके यहाँ पे कोई रिंगटोन है तो उसको आप कैसे सेट करेंगे। बस आपको क्या करना है कि जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर दिया हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बोलना स्टार्ट हो जाएगा, बट मैं अपना आवाज़ को म्यूट कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, आवाज़ को म्यूट कर दिया और साइड में आप देख सकते हैं कि टिक का ऑप्शन लग जाता है। टिक का ऑप्शन लगने के बाद आप देखिए यहाँ पे ओके पर प्रेस कर देना है। देखिए ओके पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं
कि जिस पे मैंने नहीं सेट किया हूँ वो सारे नंबर पे डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है, और जिस पे मैंने सेट कर दिया हूँ गाना या रिंगटोन उसमें वो गाना सेट हो चुका है, यानी डिफ़ॉल्ट का जो ऑप्शन था वो हट चुका है। अब जो मैंने रिंगटोन यहाँ पे सेट किया वो सेलेक्ट हो चुका है। तो ये बंदा जब भी मुझे कॉल करेगा तो इनके नंबर पर अलग से कोई रिंगटोन बजना स्टार्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट मेथड था। A few moments later. अब देखिए दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इजी तरीका से है, और ये मेथड मैंने अपने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था, बट इस वीडियो पे भाई साहब ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया था, तो वो मेथड में आपको मैं बताया था। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो पे क्लिक किया तो आपको किस तरह से सेट करना है अलग से कोई रिंगटोन, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये बहुत ही ईजी है, आपको क्या करना है अपने डायलर के पर प्रेस कर देना है, सिंपली आपको कॉन्टैक्ट पे आ जाना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे आने पर आपके पास जितना भी नंबर होगा उस पर आप चाहते हैं कि अलग से कोई रिंगटोन लगाए तो उस नंबर पे आपको प्रेस कर देना है, जैसे कि मैं इस पर प्रेस कर दूँ, ठीक है। और जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट रिंगटोन का। तो इस पर अगर आप चाहते हो कि मैं अपने मनपसंद अनुसार कोई सा भी रिंगटोन लगाऊं तो यहाँ से आपको डिफ़ॉल्ट रिंगटोन को हटाना पड़ेगा, और कोई जो भी मनपसंद अनुसार आप चाहते हो कि रिंगटोन सेट करें तो वो रिंगटोन आपको सेट करना है, जैसे कि मैंने पहले वाले मेथड में बताया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के रिंगटोन पे प्रेस करेंगे, और जैसे ही इस पर आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं, चूज ऑनलाइन रिंगटोन एंड चूज लोकल रिंगटोन। ऑनलाइन का मतलब हुआ है कि जैसे ही आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका कोई म्यूजिक आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्री करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ से नेट नहीं ओपन है तो ऑनलाइन कोई मतलब गाने आ जाएगा, जैसे कि वीकली म्यूजिक से वो सारे गाने यहाँ पे आ जाएगा, आप डाउनलोड करके यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अगर आपके पास लोकल का ऑप्शन आ रहा है तो लोकल का मतलब ये हुआ कि दोस्तों आपके फाइल में या आपके मेमोरी में जहाँ पे भी कोई रिंगटोन है मनपसंद अनुसार आप सेट कर सकते हो, और उसके बाद आपके मोबाइल में जो भी रिंगटोन अवेलेबल है ये सारा यहाँ पे शो करेगा। बट इसे तो आपको अप्लाई नहीं करना है, चाहेंगे तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपको क्या करना है कि अगर आप कोई गाना सेट करना चाहते हैं अपने मनपसंद अनुसार तो सेकेंड वाले मेथड पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर से वही आपके सामने आ गया है, फाइल एंड म्यूजिक और ऑडियो फाइल। तो म्यूजिक में मेरा सॉन्ग है तो यहाँ से म्यूजिक में जाइए, और कोई सा भी आपको फर्स्ट बार है तो अलाउ कर दीजिए, ठीक है। अलाउ करने के बाद कोई सा भी अगर आपके पास इधर आ जाता है कोई सॉन्ग अगर आपके फाइल में या म्यूजिक में है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इस बार आप क्लिक करेंगे और ऊपर में ओके का ऑप्शन है, ओके कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए कि इस नंबर पर डिफ़ॉल्ट का जो ऑप्शन था यहाँ से रिमूव हो चुका है, और जो मैंने गाना सेट किया हूँ यहाँ से मतलब वो गाना सेट हो चुका है। तो ये बंदा जब भी मेरे को कॉल करेगा तो ओनली इन्हीं के नंबर पे जो मैंने अभी सेट किया हूँ, ठीक है, वही रिंगटोन बजेगा और वही सॉन्ग बजेगा, अदरवाइज कोई सा भी नहीं बजेगा। और अदरवाइज जो दूसरा कोई बंदा अगर कॉल करता है, दूसरा कोई बंदा अगर फ़ोन करता है तो उसके पे जो मैंने डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन सारे नंबर पे है, यानी जो मैंने अपने फ़ोन के अंदर में रिंगटोन सेट किया हूँ वो रिंगटोन बजेगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये दो मेथड काफ़ी बेहतर तरीका से पसंद आया होगा, और जो भी आप मतलब अभी तक वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर आप चाहेंगे कि हमारे हर नंबर पे अलग रिंगटोन सेट हो तो बहुत ही ईजी आप इस दोनों मेथड के यूज़ करके आप सेट कर सकते हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दोनों मेथड को अगर आप यूज़ करेंगे तो कोई सा भी कंपनी का अगर आपके पास फ़ोन होगा तो आप इजिली आप अलग अलग रिंगटोन सेट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखना।